हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके स्पेशल कहने पर इंग्लिश विषय पर हमने स्पेशल सोल्ड पेपर जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड लेकर आए हैं, सोल्ड पेपर HTET के रिगार्डिंग। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर हमने स्पेशल आपके लिए 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं HTET के, उनको सोल्ड करके विद आंसर की विद डिटेल से आपको बताया गया है। हमने उनकी वीडियो बना रखी है। आप इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को ओपन कीजिएगा, होम का ऑप्शन आएगा, होम के बाद वीडियो का ऑप्शन आता है, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। प्लेलिस्ट पर जाकर स्पेशल HTET के रिगार्डिंग जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यूस अंत तक देखना है। इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, बता दूं कि ये जो इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज के, उसमें 15 क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में, जो बगैर सिलेबस जो स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता इंग्लिश, उनके लिए दोस्तों, जो जिनका स्पेशल सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, PRT, PGT और TGT के लिए, इसमें बता दूं कि एक तो कंप्रिहेंसिव पैसेज आता है इसमें से दोस्तों, जो क्वेश्चन देते हैं और उनके आंसर कंप्रिहेंसिव पैसेज में छाट कर उसका राइट आंसर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हम कर रहे हैं सिर्फ जो ग्रामर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड ग्रुप्स इज यूज्ड एज नाउन्स इन फॉर्मिंग सेंटेंसेज। विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड ग्रुप्स इन यूज्ड एज नाउन्स इन फॉर्मिंग सेंटेंसेज। तो दोस्तों, ग्रुप में ये देखिएगा, एडवाइस प्रैक्टिस एडमायरेशन, एडवाइस प्रैक्टिस एडमायर, एडवाइजेबल प्रैक्टिजेबल और एडमायरेबल, एडवाइजली प्रैक्टिकली एडमायरेबली। तो दोस्तों, ये दोस्तों ग्रुप के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया हुआ है क्या कुछ इसका राइट आंसर आएगा। मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों, कि जैसे एडवाइज का जो मीन होता है, जैसे ऑफर्ड करना, ओपिनियन ऑफर्ड करना, गाइड करना, टू एक्शन लेना, तो दोस्तों इसी तरह है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज पंक्चुएशन मार्क हैज बीन करेक्टली यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। यानी इनमें से कौन सा शब्द करेक्ट लिखा गया है इनमें से चार ऑप्शनों में से, वो आपको बताना है। ऑप्शन है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। दोस्तों, यानी ये जो सेंटेंस है वो तो सेम है, लेकिन अंत में ये देखिएगा दोस्तों, जो निशान लगे हुए हैं उनमें आपको छाटने की कौन सा इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों, बता दूं कि जो राइट आंसर है ऑप्शन वन, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। ये दोस्तों हिंदी में भी समयादिबोधक शब्द बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बोल देते हैं। तो ये दोस्तों राइट आंसर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब चुननी है, इट वॉज ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स इज ट्विंकलिंग, वर ट्विंकलिंग, हैज ट्विंकल्ड, आर ट्विंकल्ड। मैं बता दूं कि इज द सेंटेंस इज द पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से रिलेटेड है ये सेंटेंस। इट वॉज ए क्लियर नाइट एंड द स्टार्स वर ट्विंकलिंग। दोस्तों, पास्ट टेंस इसमें ये है, ध्यान दीजिएगा, वर ट्विंकलिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड, व्हाई डिड यू टर्न डाउन अंडरलाइन है, सच ए गुड प्रपोजल, रिफ्यूज, पोस्टपोन, रिप्लाई, एक्सेप्ट। तो दोस्तों, टर्न डाउन में होता है ठुकराना, तो इसमें दोस्तों यानी इनकार करना, ठुकराना होता है। तो इसमें आपको बता दूं कि इसका जो है रिफ्यूज आएगा, रिफ्यूज का भी अर्थ होता है इनकार करना, टर्न डाउन का भी अर्थ होता है कि प्रस्ताव को ठुकराना या इनकार करना। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब है ये, इट इज डैश कोल्ड टूडे, प्लीज डोंट गो आउट फॉर ए वॉक, पैदल मत चलना क्योंकि ठंड है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत ठंड से संबंधित है, इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, वेरी कोल्ड
टुडे प्लीज़ डू नॉट गो आउट फॉर ए वॉक, क्योंकि आज बहुत ठंड है इसलिए पैदल आप बाहर मत निकलना। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सी इज सिटिंग नेक्स्ट यानी डैश हर ब्रदर इन द सेकेंड रो। ही इज सी इज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर ब्रदर इन द सेकेंड रो बाई टूवर्ड्स टू या ओन। इसमें प्रीपोजिशन टू विल फिल इन द ब्लैंक टू मेक सेंटेंस करेक्ट है दोस्तों। इसमें टू आएगा टू। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद करेक्ट आर्टिकल इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आर्टिकल है दिस इज बेस्ट दोस्तों। कभी भी डिग्री से संबंधित है ये। डिग्री में कभी कभी भी आपको थर्ड डिग्री दिखे, आपको डिग्री थर्ड हो, जैसे गुड बेटर बेस्ट। गुड ये फर्स्ट डिग्री होगी, बेटर ये सेकंड, और बेस्ट थर्ड। जब भी थर्ड आ जाए तो दोस्तों उसमें द का प्रयोग होता है। ये दोस्तों एक नियम है, इस नियम को याद रखना। बेस्ट आ गया तो द का प्रयोग हो जाएगा, इसका राइट आंसर आएगा द। आइडेंटिफाई द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड रिस्पेक्टेड बाई द टू अंडरलाइंड अल्फाबेट्स एट द फाइनल लेवल इन वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। कैच मैच वॉच और ये दोस्तों पेट्रियट्स। दोस्तों कैच मैच वॉच, इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बोलने का एक लहजा अलग ही है, यानी इन तीनों में सेम टू सेम है, लेकिन ये ऑप्शन फोर्थ है वो डिफरेंट है। तो दोस्तों राइट आंसर आएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब आगे एग्जाम में आए ना तब आपको कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ ताकि आगे जब भी एग्जाम में आएंगे आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें कोई परेशानी ना हो। ये देखिए दोस्तों, इन मेकिंग क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज। क्लासरूम में टीचिंग को इफेक्ट बनाने के लिए जो है कौन सा पार्ट यूज होता है। क्लासरूम लेसन प्लान, स्टडी मटेरियल, टीचिंग मेथड, टीचर्स पर्सनैलिटी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्लासरूम टीचिंग को प्रभावशाली यानी इफेक्टिव बनाने के लिए उसका सबसे महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टीचिंग मेथड्स का। टीचिंग मेथड इज राइट आंसर, क्योंकि स्टडी मटेरियल कोई बेस नहीं होता, टीचर पर्सनैलिटी भी कोई बेस नहीं होता, और लेसन प्लान तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसका राइट आंसर है टीचिंग मेथड जो है इफेक्टिव बनाता है। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू इनोसेंट। इनोसेंट का जो है अपोजिट शब्द क्या है, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इनोसेंट का हिंदी में इसको भोला भाला भी कह देते हैं, मासूम भी कह देते हैं, जो निर्दोष भी कह देते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आया गलती, जिसका अर्थ होता है दोषी या अपराधी। क्लेवर मीन चतुर होता है, स्मार्ट मीन भी चतुर का होता है दोस्तों आज से, लेकिन इसका ऑप्शन आएगा वन इज राइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड आर्ट स्टडी डू यू। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स आर्ट स्टडी डू यू। तो इसका शुद्ध वाक्य हम चुनेंगे, यू स्टडी आर्ट डू, यू डू आर्ट स्टडी, डू यू स्टडी आर्ट, डू यू यू डू स्टडी आर्ट। तो दोस्तों इसमें डू यू स्टडी आर्ट, डू यू स्टडी आर्ट ये राइट आंसर है, क्या तुम आर्ट में पढ़ते हो। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइंड द बिगिन, यानी इनमें डिफरेंट साइड साउंड वाला आवाज वाला कौन सा है। चेक चेन चिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों आपको पता ये तो सभी सेम है, जब बोलेंगे तो चेक की आवाज़ आता है, लेकिन ये केमिस्ट्री डिफरेंस है। तो ये ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। ओड इवन वाला फॉर्मूला दोस्तों इसमें मैक्सिमम इंग्लिश में यूज किया जाता है। ओड इवन, ओड इवन का दोस्तों जो ऑप्शन से रिलेटेड होता है, ओड इवन ऑप्शन से रिलेटेड होता है कि तीन ऑप्शन तो सेम ही हो लेकिन फोर्थ या कोई अन्य जो ऑप्शन है वो डिफरेंट हो। इसी तरह दोस्तों ये ओड इवन ऑप्शन वाले से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, आप हल कर सकती है। ट्रिक होती है दोस्तों, तुक्का मारने की ट्रिक होती है ओड इवन ऑप्शनों की, जिसमें तीन ऑप्शन तो सेम ही हो लेकिन चौथा ऑप्शन डिफरेंट हो। तो ये डिफरेंट है दोस्तों, देख लो। द मोंटेसरी सिस्टम ऑफ टीचिंग फोकस ऑन द चाइल्ड, द टीचर, द टेक्स्ट बुक,
द स्टडी मटेरियल, मोंटेसरी जो विधि है वह टीचिंग जो फोकस का किसकी ओर करती है, जो टीचिंग जो मोंटेसरी सिस्टम है वो बच्चे को फोकस करती है दोस्तों, चाइल्ड को फोकस करती है, चाइल्ड आएगा दोस्तों, बाल केंद्रित जो हम कहते हैं वो है ये। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स फ्रॉम द ऑप्शन द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, यानी उसके स्टेशन से आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो दोस्तों जब इसमें पास्ट की जो दो घटनाओं की चर्चा है, इसमें एक घटना पूरी दूसरे से पहले पूरी हो गई हो, तो पहले समाप्त होने वाली घटना में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन दो, ऑप्शन दो हेड लेफ्ट। आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड अंडरलाइन इन द लास्ट, यानी डिफरेंट साइड वाला, डिफरेंट साउंड वाला कौन सा है ये देख सकते हैं, ला फाई रफ। तो दोस्तों इसमें रफ है, इसमें लाफ है, इसमें टफ है, तो हाई दोस्तों अलग है, ये ओड इवन ऑप्शन वाले से रिलेटेड है, जो मैंने आपको तुक्का मारने की स्ट्रिक बताई थी, हमने स्पेशल डाली हुई है कि तुक्का कैसे मारे स्टेट के एग्जाम में आपको प्रॉफिट मिलेगा, वही बेस है। ये तीन ऑप्शन तो दोस्तों सेम है, लेकिन ये ऑप्शन दोस्तों फोर्थ जो ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये इन ऑप्शनों से डिफरेंट है बोलने में, तो ये राइट आंसर है। कविता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये दोस्तों अंडरलाइन शब्द है ब्यूटीफुल। द अंडरलाइन वर्ड इज द सेंटेंस इज यूज इज ए या एन, तो दोस्तों नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो दोस्तों इसका मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ कि क्या है। इसमें दोस्तों पता तो सभी को है कि दिए गए वाक्य में ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में, कि कविता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, कविता एक सुंदर लड़की है, एडजेक्टिव दोस्तों, ये राइट आंसर एडजेक्टिव है। तो दोस्तों इस तरह हमने इंग्लिश के जो पीछे जो एग्जाम में आए हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए, इस तरह का दोस्तों इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो 15 नंबर की इंग्लिश आती है उससे संबंधित मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और दोस्तों हमने इस यूट्यूब चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रखी है, साइकोलॉजी, पेडागोजी, हिंदी, ग्रामर और भी बहुत बहुत अच्छी है, तो प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।